रईस के मूसा और काबिल के ऑफिसर चौबे हमारे साथ, बोले तो वन एंड ओनली वन हमारे बिहार के आन बान एंड शान एक्टर नरेंद्र झा। झा जी कैसे हैं सब? सबसे पहले थैंक यू सो मच रुचि स्टूडियो आने के लिए। और अभी बोधिसत्व इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आए हुए हैं, बहुत सारी बातचीत हमने की, बट अभी यहाँ पर हम एक छोटा सा रैपिड फायर गेम जो है वो उनके साथ खेलने वाले। तो सर आप शुरू करें। नरेंद्र झा यदि एक्टर नहीं होते तो क्या होते? किसान होते। और उनके खेत में क्या कुछ उगता? मेरे खेत में सीजनल सब्जियां, उसके बाद चावल, गेहूं, आम, जो हमारे यहाँ का बहुत इम्पोर्टेंट पौधा है, हमारे खेत में जो है वो मखान हम उगाते हैं, इसी तरह की चीजें हम उगाते हैं। खुश रहते हैं। काबिल या रईस, दोनों ही फिल्मों में मेरा रोल जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट रहा है। काबिल में डेफिनेटली थोड़ा सा लेंथ जो है वो ज्यादा रहा है, बट जो इम्पैक्ट है वो रईस का, वो कहते हैं 100 से ज्यादा होता ही है, किसी भी कम नहीं है। तो मेरे लिए डायलॉग सर टेलीविजन में भी इनकी शुरुआत टेलीविजन से हुई, तो यहाँ मैं पूछना चाहूंगी टेलीविजन और फिल्म। आज की तारीख में आप दोनों विधा को एक दूसरे साबित नहीं कर सकते, लेकिन अगर करने की बारी आई तो डेफिनेटली चुकी फिल्म जो है वो मेरे लिए आजकल ज्यादा सहूलियत वाला हो गया है। टेलीविजन में जो काम का डिमांड है वो बहुत ही लंबा है, तो मैं उससे थोड़ा सा बचना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे काफी करते हैं ऑलमोस्ट 18-20 साल, तो मैं अब थोड़ा सा रिलक्टेंट हो रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी एनर्जी में कोई कमी आ गई है, जिस तरह की बात हो गई है, लेकिन अब चूंकि फिल्में मेरे सामने हैं तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। मुंबई या मधुबनी? अभी ये लाइफस्टाइल और जरूरतों को देखते हुए, क्योंकि मेरा काम वहाँ होता है, मेरी जो एक्टिंग की ज्यादातर जो चीजें हैं वही होती हैं, स्टूडियोज वही हैं, पूरा बॉलीवुड जो है वही है, तो जाहिर सी बात है मधुबनी जो है मैं डेफिनेटली, चूंकि मेरा होम टाउन है तो मैं जाता आता रहूंगा, जाता ही आता रहता हूँ, लेकिन रहना मेरा वही है। आखिर कंप्लीट द सेंटेंस में, मिथिला के तीन निशान? पान, माछ और मखान। He's one and only one, Narendra Jha. Thank you so much, sir.